यादव को बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में जिस तरीके से धमकी दी है किसी को, वो तरीका जो है लोगों को पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग जो है ये बातें सुनने के बाद, अज्जू भाई और जासूस का नाम जो है वो सामने जो है वो करने लगे कि भाई यही बंदा है। और तो और कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि भाई ये जो है अभिषेक मल्हाना यानी कि फुकरा इंसान है। मैंने आपके सामने ये चीज़ें क्लियर की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे उस बंदे का नाम पता चल गया है। और डेफिनेटली ना तो ये सौरव जो कि जो जासूस बोला जाता है, ना तो ये सौरव है, ना तो ये अज्जू भाई है, ये कोई और है। मैं आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो वो कौन है जिसके ऊपर जो है टारगेट कर रहे हैं एल्विश यादव, तो इस वीडियो को 1000 लाइक जो है वो जरूर दीजिए कि मैं आने वाली वीडियो में जो है उसके बारे में बता पाऊं। तो गाइज, इस तरीके से धमकी दी है कि तू कितना भी कर ले, सब पता है, तेरे को घर से उठा लेंगे, भाई तेरे कितने भी भाई आ जाएं, हमारे भाई आ गए तो कम पड़ जाएगा, वगैरह वगैरह ना, बहुत ही गुस्से में एक धमकी दी है जो कि लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने बोला कि आपसे लोग प्रेरित होते हैं, आपको देख के आप जैसा बनना चाहते हैं और आप इस तरीके का अपना वर्जन दिखा रहे हो, 3.0 आप अपना वर्जन बोल रहे हो और ये सब चीज़ें सिखाओगे कि किसी को घर से कैसे उठाया जाता है, किसको घर से कैसे उठा लें इकट्ठे करके दोस्त। बिग बॉस में तो ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली थी तुम्हारा गुस्सा, यहाँ पर झुंड में तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो। इसके ऊपर भी जो है अब एल्विश के ऊपर कुछ लोग उल्टा हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साथ दे रहे हैं, डेफिनेटली साथ दे रहे हैं, पर यही बात बोला कि अज्जू भाई नहीं है, ये एल्विश ने क्लियर कर दिया है। और सौरव जो कि जासूस जो कि हमेशा झूठ बोलता रहता है, भाई सच्ची बात बोलो, अभिषेक का कैमरामैन है वो, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, गोवा में शूट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और बाद में पकड़ा गया, थोड़ी देर के लिए नाम कमाया और नाम जो है उसने बंदे ने डुबा भी दिया, तो वो भी बंदा नहीं है। अब आप लोग डेफिनेटली जानना चाहते होंगे आपको ये कैसा लगा, ये धमकी वाला पॉइंट कैसा लगा। मुझे सीरियसली, मैं अगर बोलूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से धमकी नहीं देनी चाहिए। अपना इग्नोर करो, अगर आपको ऐसा हो रहा है जस्ट इग्नोर, आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप और ज़्यादा उस कुएं में, उस कीचड़ में जो है वो धंसते हुए जा रहे हो जो कि दिखाई दे रहा है। तो इससे बेटर क्या है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो। अगर आप लोगों को जानना है कि वो बंदा कौन है जो कि ये बोल रहे हैं कि फेक PR है, ये पैसे दे के मेरे बारे में मीम्स बना रहा है, मेरे बारे में ऐसा ऐसा कर रहा है, तो 1000 लाइक आने वाली वीडियो उसी के नाम। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।